हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, IB, RPF, SSC, GD। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारी मैथ की, रीजनिंग की, ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है, यानी कि जो सिक्कों की संख्या का रेशो है वो ये है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप मुझे ये बताइए 1 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे? एक ही सिक्का बनेगा, ठीक है, 1 रुपये का एक ही सिक्का बनेगा। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 2 सिक्के बनेंगे 50-50 पैसे के। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 4 सिक्के बनेंगे, 25-25-25 के 4 सिक्के बनेंगे, ठीक है। तो बस आप इसी चीज़ से पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्कों की संख्या का जो रेशो दिया गया है 1:4:4, अगर मैं बोलूँ सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो यहाँ पे 1x हो जाएगा, 4x हो जाएगा और 4x हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं इसको लिख सकता हूँ ना रेशो, तो एक्चुअल में जो संख्या होती है उसका रेशो जो निकल के आता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1x, 4x और 4x, ठीक है। अब मैं 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1x ही रहेगा, 4x को मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के बनेंगे 50-50 के, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 2 से जाएगा 2 बार और ये 4 से 1 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे 1x, 2x और 1x आपका बच जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 200 के, क्योंकि कुल जो मूल्य है वो 200 रुपये, यानी कि 1 रुपये के सिक्के 50 पैसे के और 25 पैसे के जो कुल रुपये हैं वो 200 रुपये हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 200 रुपये के। तो ये भी मैंने इसके इक्वल लिख लिया। अब इसको प्लस करूँगा 1x और 2x और 1x, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 200 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 50 आ गई। अब आपसे जो भी पूछा जाए, 25 पैसे की संख्या पूछी जा रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4x था तो 4 में मल्टीप्लाई 50 की कर दीजिए, 200 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। इसमें बोला जा रहा है ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन के बाद बी भी कार्यरत हो गया, यानी कि ए ने कार्य आरंभ किया था, सबसे पहले ए कार्य करेगा फिर उसके बाद बी आएगा, कार्यरत हो गया, कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे ये आपको बताना है। देखिए, मैं यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है वो सबसे पहले लिख लेता हूँ, ए अकेला 25 दिन में कर सकता है तो मैंने लिख लिया ए 25 दिन, और बी 20 दिन में कर सकता है ये भी मैंने लिख लिया। दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए या फिर कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो इन दोनों से भाग हो सकती है कम्प्लीटली। तो मैंने यहाँ पे 100 लिख लिया और 25 से ये भी 25 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये 50 जो है टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क, सॉरी 100 जो है ये टोटल वर्क आ गया। तो आप क्या करना है, ये इस 100 वर्क को 25 दिन में कर लेता है ए, एक दिन में कितना करता होगा? 100 को भाग करेंगे 25 से तो 25 100 का 100, एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता होगा। ये 100 यूनिट को 20 दिन में कर लेता है बी, एक दिन में कितना करता होगा? 100 को 20 से भाग कर देंगे तो 5 यूनिट वर्क एक दिन में करता होगा, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन के बाद बी आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए 10 दिन तक अकेला कार्य करेगा, तो ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, 10 दिन में कितना कर लेगा? 40 यूनिट। तो आप 100 में से 40 को तो माइनस करेंगे क्योंकि ये अकेला ए ने किया है, ठीक है भाई। तो 100 माइनस 40 करेंगे तो 60 आपका ही आ गया। अब इसमें आ जाता है बी भी, ठीक है, इसके बाद बी भी ज्वाइन कर लेता है और बी और ए मिलके, दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट वर्क करते हैं, तो 60 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे? 60 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 6 complete 2/3 आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने लगेंगे भाई? 10 दिन तो पहले ए अकेला कर चुका था और फिर 6 सही 2/3 दिन किया है दोनों ने मिलके, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे जैसे क्वेश्चन में बोला गया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, 2-3 लाइन आपको दिख रही है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने समझ लिया ध्यान से। यहाँ पे बोला जा रहा है ए कार्य को 10 दिन में कर लेता है। सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। ए 10 दिन में करता है तो ए का 10 दिन लिख लिया। उसके बाद बी इसे 20 दिन में करता है तो बी का 20 दिन लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। तो इसका देखिए सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। तो 20 जो है ये टोटल यूनिट वर्क हो गया, यानी कि ये 20 यूनिट वर्क को 10 दिन में करता है, ये 20 यूनिट वर्क को 20 दिन में करता है। तो इनका वन डे वर्क निकाल लेंगे कि एक दिन में कितना करते होंगे। तो 20 को मैं 10 से भाग करूंगा तो ये एक दिन में दो यूनिट वर्क करता है। 20 को 20 से भाग करूंगा तो बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। भाई समझ में आ रहा है ना सारी चीज़? अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा एक एक बच्चा। तो यहाँ पे बी का 1 आ गया, ठीक है, बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। अब दोनों ने बोला, यहाँ पे बोला गया कि दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। इसका मतलब दोनों ने स्टार्ट किया था 5 दिन तक, तो दोनों ने इकट्ठे कार्य किया होगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं। तो 5 दिन तक जब ये कार्य करेंगे तो कितना वर्क कर चुके होंगे, तो 3 यूनिट वर्क एक दिन में करते हैं तो 5 दिन में 15 यूनिट वर्क कर लेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो टोटल यूनिट वर्क है उसमें से 15 माइनस करूंगा क्योंकि इतना वर्क हो चुका है, तो बचेगा कितना 5 यूनिट वर्क। अब इस 5 यूनिट वर्क को कौन करने आएगा, जब ए छोड़ के चला जाएगा इसको करने आएगा अकेला बी, समझा आप इस चीज़ को। तो इसको अकेला करने आएगा बी, बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो 5 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेगा, 5 को 1 से भाग कर देंगे तो 5 डेज ही तो लेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपसे पूछा गया था कि शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा, तो 5 डेज। अगर पूछा जाता है कि टोटल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा है, तो 5 दिन पहले लगे थे और 5 ये हो जाएंगे तो 10 डेज हो जाएंगे टोटल डेज, ठीक है। बट आपसे टोटल डेज नहीं पूछा गया है तो 5 डेज इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखा रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सेपरेट एक वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर यहाँ पे मैक्सिमम कमेंट मुझे मिलेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए यानी कि और आ जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है और यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है तो टोटल आयु कितनी होगी 20 व्यक्तियों की, तो 20 गुना 25 कर लेंगे तो 500 हो जाएगी सम, यानी कि 20 व्यक्तियों का जो एज का सम है वो 500 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है 20 वर्ष की औसत वाले 5 व्यक्ति अगर और आ जाएं तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना 20 करेंगे 100 इनकी हो जाएगी। तो टोटल अब ये कितने मेंबर हो गए, 20 पहले थे 5 ही आ गए 25 हो गए, और इनकी सभी की सम कितना हो जाएगा एज का, 600 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है उनके हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी होगी, तो सबकी औसत आयु निकालना बहुत ही आसान काम है, ठीक है। टोटल एज का जो सम है वो 600 है और 25 इन ये हो गए हैं, तो 600 को 25 से भाग करिए तो 24 टाइम जाएगा, तो एवरेज औसत जो सभी की आएगी वो 24 ईयर आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आसान है ये भी क्वेश्चन, आप ट्राई भी कर सकते हैं साथ ही साथ। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ, दोनों ही आसान है, बट एक बिल्कुल आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति के हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है जिसके औसत यानी कि उस जिसके आने से औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ गया। आप पहले क्वेश्चन को ही समझिए, क्वेश्चन में एक आदमी गया है 60 किलोग्राम का, दूसरा व्यक्ति आया है उसके आने से 1 किलोग्राम औसत बढ़ गया। अगर दूसरा व्यक्ति भी 60 किलोग्राम का ही आता तो कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि 60 किलोग्राम का जाता और 60 का ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी फर्क पड़ा है, 1 किलोग्राम औसत बढ़ा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा लेके आया है 60 किलोग्राम से, जितना उसे लेके आना था उससे एक्स्ट्रा लेके आया है।
अब ये कैसे निकाले, कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, तो देखिए एक तो सिंपली वही है ट्रेडिशनल मेथड अपना। पहले कितना किलोग्राम बैठता, अगर 10 व्यक्तियों का समूह के जो औसत था वो 60 किलोग्राम मान ले, तो यहाँ पे 10 × 60 यानी कि 600 हो जाएगा। एक व्यक्ति को हटा दिया गया, उसके स्थान पर नया आया, तो इसका मतलब वो एक एक्स्ट्रा लेके आया, तो इसका मतलब उसका कितना हो जाएगा 61, तो 10 × 61 करेंगे तो 610 हो जाएगा। इसका मतलब वो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया था, तो वो 70 किलोग्राम का आया होगा। ठीक है भाई, एक तो तरीका हो गया आपका ये। एक दूसरा तरीका ये है कि आप मुझे ये बताइए, जब एक किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो कितनों का बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा जब एक किलोग्राम एक्स्ट्रा, तो सबका बढ़ेगा भाई, सभी का बढ़ेगा ना, जितने भी यहाँ पे मतलब पहले से टोटल कितने हैं, 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, तो 10 के 10 का बढ़ेगा। अब जब सबका 10 एक एक बढ़ेगा, थोड़ा सा समझने की बात कोशिश है बस इसमें, और कुछ नहीं है। जब एक एक सबका बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ेगा, 10 किलोग्राम, और उसको 60 लेके आना था, क्योंकि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति गया था, 60 का ही आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा लेके आया, कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 10 किलोग्राम, क्योंकि 60 तो उसको लेके आना ही आना था। 60 + 10 कर लेंगे तो आपका 70 किलोग्राम आ जाएगा उस व्यक्ति का वेट। तो ये था आपका बिल्कुल सीधा, जिसमें आपको कोई पेन की जरूरत ही नहीं थी। एक बार और समझिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ग्रुप है, एक समूह है 10 व्यक्तियों का, जिसमें एक व्यक्ति जाता है 60 किलोग्राम का और एक नया व्यक्ति आता है, और इसके एक जाने के बाद और एक आने के बाद उसमें औसत में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत जो है 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। जब औसत बढ़ता है ना, जितने भी व्यक्ति होते हैं ग्रुप में सबका उतना ही बढ़ जाएगा, यानी कि 10 व्यक्ति है तो 10 का 1-1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो वो व्यक्ति 60 किलोग्राम से कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है, कितना एक्स्ट्रा लेके आया, जब सबका 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा तो वो 10 किलो एक्स्ट्रा लेके आया, तो 60 + 10, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो 70 किलोग्राम का है, और जो गया था वो 60 किलोग्राम का था, इसकी वजह से 1 किलोग्राम आपका औसत बढ़ रहा है। भाई आपकी समझ में अगर आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए या फिर कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए बी में 5:4 और तथा बी और सी में 3:2, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए ए और बी और बी और सी का रेशो आपको दिया गया है, ए बी का 5 और 4 है और बी और सी का 3 और 2 है, तो आपको सबसे पहले ए बी सी का रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो चैप्टर में मैंने आपको बताया, जब भी आपको इस तरीके से रेशो दिया होता है ए बी बी सी, तो उसमें ए बी सी का रेशो कैसे निकालते हैं, जैसे दिया गया वैसे लिख लेते हैं, ए बी 5 और 4, बी सी 3 और 2, उल्टा एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, उल्टा एन यानी कि ये, इन दोनों की करेंगे ए का आ जाएगा, इन दोनों की करेंगे बी का आ जाएगा, इन दोनों की करेंगे सी का आ जाएगा। तो यही आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो 5 × 15, 4 × 12, 4 × 8, तो आपका 15:12:8 आपका रेशियो आ गया ए बी सी का। अब जिसका पूछा है निकाल लीजिए बी का कितने रुपए मिलेंगे, तो 3500 को आप क्या करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे, 35 होगा तो 35 से भाग करेंगे, और किसका पूछा है बी का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3500 को 35 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 3500 से को 35 से डिवाइड करेंगे तो 100 जाएगा, और 100 की 12 में करेंगे तो 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें अफसर तथा मजदूर हैं, इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपये है, यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10000 हो और मजदूरों का औसत मासिक वेतन 2000 रुपये हो, तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अफसरों की संख्या आपको बतानी है, टोटल 400 है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अफसर और कर्मचारियों का अलग अलग वेतन बताया गया, औसत वेतन अफसरों का 10000 है और कर्मचारियों को 2000 है, और इन दोनों का हमें औसत भी बताया गया है, तो आप ये सबसे बेस्ट मेथड है यहाँ पे, मिक्सचर एलिगेशन का जो ये रूल है, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, 2 सेपरेट और दोनों जो चीज़ें हैं उनका औसत। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो आप इस मिक्सचर एलिगेशन के रूल को अप्लाई करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो अफसरों का 10000 है, कर्मचारियों को 2000 है और इन दोनों का औसत 3000 है, बीच में आपने रखा, इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 7000, इसको इसमें से माइनस करेंगे 1000, तो इसका मतलब है रेशो कितना आया, ये 0 से 0 कट जाएगी क्योंकि दोनों साइड में 3-3 0 कॉमन है, तो 1:7 का आपका रेशो आ जाएगा। अगर 1:7 का रेशो आया है तो यहाँ पे बताया गया कि कंपनी में 400 कुल कर्मचारी है, तो जिसमें अफसरों का रेशो होगा 1 और कर्मचारियों का 7, तो आप 400 को 8 से भाग करेंगे, 7 × 8, तो 400 को 8 से भाग करेंगे, किसका पूछा है अफसरों की संख्या कितनी है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 जाएगा 8 से 50 बार और 50 की 1 में होंगे तो 50, यानी कि अफसरों की संख्या कितनी है 50 है। अगर पूछा जाता कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 50 माइनस कर देते 400 में से, तो 350 आपकी हो जाती कर्मचारियों की संख्या।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत आसान है भी। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। तीन संख्याओं में तीसरी संख्या जो है, तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या हो पहली संख्या की दुगनी है और तीसरी की तिगुनी है। तो अगर वो संख्याओं का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी होगी, ये आपको बताना है। देखिए ए बी सी डी मैंने तीन संख्या यहाँ पे लिख ली। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो ये आधी हो जाएगी, यानी कि इसकी दुगनी है तो तभी तो इसकी दुगनी होगी भाई। ए को अगर मैं 3 मानता हूँ तो ये डबल हो जाएगी 6। और यहाँ पे बोला है सी की 3 गुनी है तो सी को मैं 2 मानूंगा। आप यहाँ पे कोई भी नंबर मान के क्वेश्चन को सोल्व करिए तब भी आपका यही रेशो बन के आएगा, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 30, ठीक है। तो बी अगर 30 है तो ये 15 हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ है, और इसका ये हो जाएगा यहाँ पे 10 क्योंकि इसका 3 गुना है, ठीक है। आई होप कि मैंने ये आपको समझाया हो पहले भी और आपकी समझ में आ गया होगा, या फिर किसी दूसरे बच्चे ने ये बोला होगा कि सर समझ में नहीं आया इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब समझ में आ गया ना भाई। मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी संख्या मान लीजिए बीच में, आप उसका हाफ यहाँ पे कर दीजिए, उसको 3 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख दीजिए, आपका रेशो बन के आ जाएगा, ठीक है। तो रेशो आपका क्या आएगा, 3:6:2। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि तीन संख्याओं का औसत जो है 44 है, अगर तीन संख्याओं का औसत 44 है तो तीन संख्याओं की मल्टीप्लाई में 44 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा उसका टोटल जो हो जाएगा वो 132 हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल 132 है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे पूछी गई, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है तो इन तीनों को प्लस करिए, 6 और 3 9 और 2 11, तो 132 को 11 से भाग करेंगे और सबसे बड़ी संख्या 6 है बी की है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपका 72 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप अभी तक टॉपिक स्टडी के चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे सारी वीडियोज़ के। अगर आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पर जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे से कुछ भी पूछना या बताना, फीडबैक देना, तो इंस्टाग्राम पर जाइए सौरभ मलिक 17 की सर्च करिए, वहाँ पर जाके फॉलो करके जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।